आज तक आपने कहीं उसको कहते हुए सुना है कि वो बीजेपी की मदद नहीं करेगा? जब जब उससे ये सवाल पूछा गया है कि आप इलेक्शन के बाद क्या बीजेपी की मदद करोगे या नहीं, वो कहता है मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो पहले से ही बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ हम मिलके क्या करेंगे? आज 5 बजे सारा सिलसिला खत्म होगा। जहाँ तक वहाँ पे जो हालात हैं, हम सब उन हालात को लेके परेशान हैं। 7 अक्टूबर को 1 साल हो जाएगा जबकि इसराइल के तरफ से गाजा पे फलस्तीन पे हमले शुरू हुए। हमने पहले दिन से ये मांग की दुनिया के बड़े ताकतों से, अपने मरकजी हुकूमत से, वजीर आजम से, कि मेहरबानी करके अपना असर रसूख इस्तेमाल करके जो बेगुनाहों को वहाँ पे मारा जा रहा है, जो कत्ल गारत का सिलसिला चल रहा है, उसको रोकें। आज वहाँ पे जंग के बादल नज़र आ रहे हैं। हम दुनिया की ताकतों से दोबारा मांग करेंगे कि मेहरबानी करके इसराइल पे अपना असर रसूख इस्तेमाल करके वहाँ की बमबारी रोकें, चाहे वो गाज़ा में हो, पूरे फलस्तीन में हो, चाहे वो सीरिया में हो, लेबनान में हो, जहाँ जहाँ ये बमबारी चल रही है, इन ताकतों को अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इस पे रोक लगाना चाहिए। जनरल रशीद बार बार ये कहते हैं मुझे उमर अब्दुल्ला और सजा लूने जी अलविदा, किस तरह आप ये देखते हैं? मुझे जनाब इख्तदार से बाहर रहे अब 10 साल हो गए। ज़रा शेख रशीद साहब, क्योंकि मैं इंजीनियर अब उनको बुलाता नहीं हूँ, डिप्लोमा किया है, ज़रा बताएं वो गिरफ्तार कब हुए? गिरफ्तार हुए वो 2019 में जब हम सब बंद थे। उनके खिलाफ गवाही किसने दी? आज अगर हम 1 सेकंड के लिए माने कि उनको गलत इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ जो स्टार विटनेस है।